देखिए बेटा, आज का जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। तो क्या है ये चैप्टर, किस तरीके से इसके क्वेश्चन आएंगे, इस चैप्टर को सॉल्व कैसे करते हैं इसके क्वेश्चंस को, तो वो सब समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर जो फॉर्मूला यूज होता है अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर, वो फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला ये है एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। इस फॉर्मूले पर बेस्ड ये चैप्टर आपका चलेगा। अब ये फॉर्मूला क्यों आया, कैसे आया, इन सारी बातों का डिस्कशन अभी हमें करना है। देखो बेटे, ये चैप्टर आपका बेसिकली आपको ये लॉजिक समझाता है कि अकाउंटिंग है क्या। हमने बात पढ़ी अकाउंटिंग, अकाउंटिंग को हम डबल एंट्री सिस्टम भी कहते हैं, डबल एंट्री सिस्टम। देखिए बेटे, डबल एंट्री सिस्टम का मीनिंग क्या है। डबल एंट्री सिस्टम नाम से बात पता लग रहा है कि कहीं ना कहीं डबल साइडेड इफेक्ट्स हैं इसके। डबल साइड इफेक्ट, सर क्या कहना चाहते हो आप, डबल साइड इफेक्ट कैसे। देखो बेटे, बहुत गौर से समझिएगा आप मेरी बात। मैंने आपको जब जर्नल एंट्रीज करवाई थी, तो जर्नल एंट्रीज करवाते वक्त मैंने आप लोगों को ये बात बताई थी कि जब भी आप एंट्री करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर अपन बात करें कि फर्नीचर परचेज इन कैश, अपन ने ये एंट्री की फर्नीचर परचेज इन कैश ₹5,000, तो आप इसकी एंट्री किस तरीके से कर रहे थे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ऐसी एंट्री क्यों कर रहे थे। हम ये चीज देख रहे थे कि फर्नीचर और कैश दोनों रियल अकाउंट है, तो ये एंट्री आप कैसे किया करते थे। हम मैंने आपको डायग्राम बना बना के एक एक चीज समझाई और मैंने आपको बताया कि मान के चलिए ये आपका बिजनेस है और इस बिजनेस के अंदर आप प्रोप्राइटर हैं, आप खुद बैठे हैं और आपको फर्नीचर की जरूरत पड़ती है बींग एन एसेट। तो आप क्या काम करते हैं, फर्नीचर के शोरूम पर जाते हैं और फर्नीचर के शोरूम पर जाकर आप फर्नीचर परचेज करके आते हैं। मैंने बोला कि मान के चलिए आप टेबल कुर्सी परचेज करके आते हैं, तो आपको आपके बिजनेस के अंदर टेबल कुर्सी की जरूरत पड़ी, टेबल चेयर की। आप गए और जाकर परचेज जब आप करके आते हैं तो ये फर्नीचर आपके पास आया और कैश आपके हाथ से गया। तो देखिए बेटे, हमने क्या चीज सीखी कि फर्नीचर और कैश दो तरीके के अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं, और फर्नीचर आपका रियल अकाउंट है और कैश भी आपका रियल अकाउंट है। ये चीज सीख रहे थे अपन वहां पर, और ये चीज देखी अपन ने कि फर्नीचर और कैश जब दोनों रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट का रूल क्या लगता है कि जो आ रहा है उसको डेबिट कर दें और जो जा रहा है उसे आप क्रेडिट कर दें। मैंने आपको बताया था आप हमेशा अपने पॉइंट ऑफ व्यू, यानी आपका जो बिजनेस है, बिजनेस के अंदर आप खुद हैं, तो आप अपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से होकर सोचिए कि आपके पास क्या आ रहा है और आपके हाथ से क्या जा रहा है। यानी एक नियम से ये चीज चल रही है कि कुछ आता है और कुछ जाता है, यानी आपको कुछ पाने के लिए कुछ देना पड़ेगा। यानी आपने फर्नीचर खरीदा तो उसके अगेंस्ट में आपने कैश दिया, तो यानी इसमें जो हमने ये बातें पढ़ी वो क्या पढ़ा कि फर्नीचर आपके पास आया, जो आता है वो डेबिट हो गया और जो कैश जा रहा है वो क्रेडिट हो गया। तो इस तरीके से आपने एंट्री कर दी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, यानी आपने देखा कि डबल साइडेड इफेक्ट है, हर चीज के दो साइड इफेक्ट हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं कि कुछ आ रहा है और कुछ जा रहा है। करना अकाउंटिंग इक्वेशन में भी हमें यही है, लेकिन उसको इक्वेशन फॉर्म में इन बातों को दिखाना है। कैसे, तो देखिए बेटे, अब आपको थोड़ा सा मैं इसको इस बैलेंस शीट के छोटे से फॉर्मेट बना के दिखाऊंगा, आपको एक थोड़ा सा एक प्रारूप दे रहा हूं कि किस तरीके से ये आपने काम किया। हालांकि इसको ऐसे करना नहीं है, ये बात खाली मैं समझाने के लिए बता रहा हूं आपको कि मान के चलिए जैसे फर्नीचर आपके पास, मान के चलिए फर्नीचर आपके पास 1,00,000 रुपीज के पहले से ही फर्नीचर थे और कैश आपके पास मान के चलिए 2,50,000 का था। अब देखा जाए तो इन बैलेंस शीट में आपने किस तरीके से चेंज किया, कैसे चेंज किया। अब आप जानते हैं कि बैलेंस शीट का टोटल आपस में दोनों का मैच होता है, ठीक है। अब आपके पास जो लाइबिलिटीज हैं वो आपको कितनी दे रखी है, आपको दे रखी है इन दोनों का टोटल आ रहा है 3,50,000
और आपको लाइबिलिटीज भी 3,50,000 दे रखी है, मान के चलिए मैं एक एजम्पशन फिगर ले रहा हूं और ये 3,50,000 ही है। अगर मैं आपको ये बात बोलूं कि आपने फर्नीचर खरीदा तो क्या फर्नीचर आपके पास आया, आप बोलोगे हाँ सर हमारे पास फर्नीचर आया है, तो परचेज फर्नीचर आप जोड़ देंगे क्योंकि आपके फर्नीचर की कीमत बढ़ गई। तो अब आपका फर्नीचर की वैल्यू कितनी हो गई, 1,05,000 की। और ऑब्वियस सी बात है उसके लिए आपने कैश दिया तो आप माइनस करेंगे परचेज फर्नीचर को, क्योंकि आपने कैश दिया है तो परचेज फर्नीचर आपने माइनस किया यहां से कितने रुपए, 5,000। तो 2,50,000 में से जब आप 5,000 माइनस करेंगे तो यहां पर आएगा 2,45,000। तो अगर आप इन दोनों का टोटल करेंगे तो अब वापस से 3,50,000 ही आएगा। तो इस चैप्टर में कहने का क्या मतलब है, इस चैप्टर का कहने का मतलब यह है कि इक्वेशन हमें बैलेंस करनी है, एसेट और लायबिलिटी साइड हमेशा मैच होनी चाहिए, फिर वो चाहे किसी भी तरीके से हो। अब इसमें मैंने बताना क्या चीज चाह रहा था, फर्नीचर अगर एक जगह बढ़ा तो दूसरी जगह कैश घट गया, अफेक्ट नलीफाई हो गया और बैलेंस शीट का टोटल अब भी 350 और 350 रहा। यानी अगर डबल साइडेड अफेक्ट्स होंगे तो उस हिसाब से आपकी जो एसेट्स हैं अगर उसमें एक जगह चीज बढ़ रही है तो उसी जगह उसी में एक जगह चीज घट भी जाएगी। और या फिर ऐसे अफेक्ट्स भी आ सकते हैं कि फर्नीचर अगर एक जगह बढ़ा तो दूसरी जगह आपकी लायबिलिटी बढ़ जाए। अगर मान लीजिए अगर एक जगह फर्नीचर बढ़ा तो दूसरी जगह अगर लायबिलिटी बढ़ जाती है तब भी बैलेंस शीट आपकी इक्वेशन मैच हो जाएगी। तो यानी कहना मैं ये चीज चाहता हूं कि बेटे अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर हमें करना कुछ भी नहीं है, जो भी आपको ट्रांजेक्शन आपके आ रहे हैं आपको हर ट्रांजेक्शन के अंदर अपनी बैलेंस शीट की इक्वेशन यानी एसेट लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, आपकी लाइबिलिटी और कैपिटल जो है वो एसेट्स के बराबर आपको शो करके दिखानी है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आपको मेरा वीडियो पसंद आया इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मेरा नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन बटन भी दबाएं, बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।